हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही एक संवेदनशील विषय पे फिल्म बनाई जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जब कैलाश खेर जी जैसा बड़ा नाम जुड़ा है और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो शायद एज ए प्रोड्यूसर शायद क्या ये मेरी पहली बैकअप, मतलब हम लोगों को और सारे हमारे चंपारण के लोग हैं जो स्टोरी भी लिखे हैं और हमारे जो हीरो हैं, तो इन लोगों को एक तरह से आगे बढ़ाना भी मेरा फर्ज है। और हम चूँकि बिहार के चंपारण से ही आते हैं और रुपेश आर बाबू का जो एक्टिंग है मुझे बहुत अच्छा लगा और अविनाश जी का मैं शुरू से बहुत दिनों से फॉलोअर हूँ, मैं उनको देखता हूँ, तो हम लोग एक तय किए कि एक अच्छी फिल्म बनाए। तो इसमें जब इनका आशीर्वाद मिला कैलाश खेर जी का, तो हम लोग सोचे कि इसमें जुड़े और जो कि एक अच्छी फिल्म आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ जो फुहड़ भोजपुरी फिल्मों से अलग एक बहुत अच्छी फिल्म आएगी, मैं इतना आप लोगों को विश्वास। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी ये रही है कैलाश जी ने साथ में फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी, तो क्या कहना चाहेंगे ये कितना बड़ा स्टेप है आपके लिए निर्माता के तौर पर, कितना बड़ा अचीवमेंट है? देखिए, नो डाउट ये भोजपुरी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भोजपुरी फिल्म हमको लगता है यहाँ से कुछ तो चेंजेस होगा, अच्छे अच्छे लोग सपोर्ट करें अगर, तो भोजपुरी फिल्म का हो सकता है कि एक अच्छा मुकाम हासिल हो। तो कैलाश खेर जी का मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके लिए आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम लोग आजीवन उनके ऋणी रहे। और आप नए हैं फिल्म निर्माण क्षेत्र में, नए आर्टिस्ट को लिया, क्या सोचते हैं कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि एस्टैब्लिश नाम भी हैं बहुत फिल्म में काफ़ी सारे, तो उनको आपने क्यों निकास किया? देखिए, चूँकि कैलाश खेर जी का आशीर्वाद है ये बहुत बड़ी बात है। रही बात जो एक्टर आप बोले सारे नए ही होते हैं जो आगे जाके बड़े बनते हैं, तो रुपेश आर बाबू छोटा छोटा एक्टिंग किए हैं, मैंने उनको बहुत उनमें टैलेंट देखा है, तो हमको लगता है कि एक तरह से उनको सपोर्ट कहिए, अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा और भोजपुरी फिल्म के लिए एक नया अध्याय शुरू करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा शुरुआत हो और भोजपुरी फिल्म फुहड़पन से निकल के एक अच्छा मैसेज दे। कहानी बहुत अच्छी है, हमको लगता है फिल्म रिलीज होने के बाद काफ़ी लोगों की वाहवाही मिलेगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.